फ्रेंड्स, मैं प्रियंका कांसल एक बार फिर से अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सर्दियाँ शुरू हो रही हैं तो सोचा क्यों ना गोभी गाजर का मिक्स अचार बनाया जाए, जो बिल्कुल ही खट्टा मीठा होगा। इसके बिना तो हमारा खाना ही अधूरा हो लगता है सर्दियों में। हमारी फैमिली में तो सभी खुश होकर खाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी हमारी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। देखिए, मिक्स अचार के लिए हमने ले ली है फूल गोभी, जिसको हमने मोटा मोटा कट कर लिया है। साथ में ले लिए हैं शलगम और कैरेट। इनको हम सबसे पहले 5 मिनट के लिए गर्म पानी में डाल लेंगे, जिससे कि इसमें थोड़ा सा सॉफ्टनेस आ जाएगी। सारी सब्जियां अच्छे से इसमें डाल लेंगे। इसको 5 मिनट तक तेज गर्म पानी में रखेंगे। आप देखेंगे कि इस तरह से बनाया हुआ अचार बहुत ही टेस्टी बनता है और कभी भी आपका अचार ये ख़राब नहीं होगा। सर्दियों में तो ये अचार बहुत ही लाजवाब लगता है और खाने का मज़ा भी दुगना हो जाता है। देखिए, अब हमने इसमें ऐड कर दी है थोड़ी सी हल्दी। हल्दी हमने इसलिए डाली है कि इसका जो रंग है थोड़ा सुखाते टाइम ख़राब ना हो, अच्छा कलर बना रहता है। ये थोड़ा हल्दी डालने का ये आपका आज का टिप ऑफ द डे है। देखिए, 5 मिनट हो गए थे, अब हमने सब्जियों को छान लिया है। अब हम इसको कपड़े पर सूखने के लिए डाल देंगे, जिससे कि इसका जो गीलापन है, नमी है, वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद ही हम इसका अचार बनाना शुरू करेंगे। हमने इसको धूप में डाल दिया है। देखिए, हमारी सब्जियां सोखी हो गई हैं। इसमें हमने जो खड़े मसाले यूज़ किए हैं वो हैं बड़ी इलायची, दालचीनी, थोड़ा सा जायफल, जीरा, साबुत काली मिर्च और पीसी हुई राई। इन सबको हम एक बार ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे और मसाला हमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, थोड़ा दरदरा पीसना है। देखिए, यहाँ पर हमने लिया है ब्लैक सिरका और उसमें हमने डाल लिया थोड़ा सा गुड़। सिरका और गुड़ आप अपने पसंद से, अपने खट्टा या मीठा कितना बनाना है उसके हिसाब से डाल सकते हैं। देखिए, यहाँ पर कढ़ाई में हमने तेल गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। इसमें हम डाल लिया है अब लहसुन की पेस्ट। इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका कच्चापन ना दूर हो जाए। देखिए, अब हमने इसमें ऐड कर लिया है 2 बड़े प्याज ग्राइंड किए हुए, ऑनियन की पेस्ट। इन दोनों को खूब अच्छे से पका लेंगे। इस साइड पे हमारा सिरका और गुड़ भी अच्छे से गर्म हो गया है। देखिए, अब हमने ऐड कर दिया है जिंजर की पेस्ट। इन तीनों को हम अच्छे से पकाते जाएंगे जब तक कि ये तेल ना छोड़ दें। देखिए, हमारा जो प्याज, अदरक और लहसुन का मसाला है पक गया था। अब हमने इसमें ऐड कर दिया है अपने खड़े मसालों का पाउडर, जो हमने अभी ग्राइंड किया था। अब ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, रेड चिल्ली पाउडर और थोड़ी सी देगी मिर्च। देगी मिर्च डालने से हमारे अचार का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। देखिए, अब हमने ऐड कर दिया है अपना सिरका और गुड़ का मिक्सचर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें अपनी वेजीज ऐड कर लेते हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है। ये हमने अब ऐड कर लिया थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट। देखिए, हमारी सब्जियां अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसको 15 से 20 मिनट तक ढककर पकाएंगे। थोड़ी फ्लेम इसकी लो रखेंगे, इससे किया है कि इसमें जो पानी है वो सब्जियां छोड़ देंगी और उसमें ही पकती रहेंगी, जिससे कि इनका फ्लेवर जो है हमारी सब्जियों के अंदर तक चला जाएगा। देखिए, सब्जियों ने पानी छोड़ दिया है। जब तक ये सारा पानी सूख नहीं जाता तब तक हम इसको पकाते रहेंगे और साथ साथ में बीच बीच में इसको चेक करते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा खट्टा मीठा मिक्स वेज अचार बनकर रेडी है।
उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। मैं आपको वादा करती हूँ कि अगर आप इस तरह से अचार बनाते हैं तो आपका अचार कभी भी खराब नहीं होगा। आप चाहें तो इसको रेफ्रिजरेट भी कर सकती हैं, नहीं तो बाहर भी रखकर खाते रह सकते हैं। घर में हर किसी को यह अचार बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और आपको भी बहुत आएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा और ऐसे ही अपना सपोर्ट देते रहिएगा। बाय बाय।